नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी फसल में लगने वाले थ्रिप्स, माहू, तेला या फिर जो उसमें रस चूसक कीट लगते हैं उनसे आप अपनी फसलों को किस प्रकार से बचाएंगे तथा इनके लगने के कारण से आपकी फसलों को क्या खतरा होता है, यह सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपकी फसल में अगर काले मच्छर या फिर हरे मच्छर लग रहे हों तो उनसे आपकी फसलों को क्या क्या खतरा होता है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में थ्रिप्स, माहू, तेला या फिर रस चूसक कीट लगते हैं तो इसके कारण आपकी फसल में जो फंगस का खतरा होता है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यह पत्तियों के रस को चूस लेते हैं जिससे पत्तियां ऊपर से ही सूखने लगती हैं और उसमें आप देखेंगे कि बीज में धब्बे धब्बे होने लगते हैं और बीज से पत्तियाँ सूखने लगती हैं, क्योंकि वह पत्तियों के रस को पूर्व से चूस लेते हैं जिसके कारण वह भोजन ना बना पाने के कारण वो पत्तियां सूखने लगती हैं। किसान भाइयों, इससे बचाव के लिए आप अपनी फसल में अगर इसका थोड़ा भी प्रकोप देखते हैं तो मैं आपको कुछ दवा बता रहा हूं। इस दवा को आपको समय रहते ही उपयोग करना है, क्योंकि आप अगर समय रहते इसका उपयोग नहीं करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अगर यह रोग आपको अपनी फसलों में देखने को मिलता है फंगस का तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको शुरू में ही इस दवा को उपयोग करके इसको पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लेना है। तो किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में फंगस का खतरा दिखे तो इसके लिए आपको अपनी फसल में प्रोफेनोफास 40% और उसमें 4% साइपरमेथ्रिन मिक्स होना चाहिए। इसके लिए आप प्रोफेक्स सुपर को ले सकते हैं। यह आपकी फसल में माहू, तेला जो भी होते हैं उनको कंट्रोल करने में सक्षम होता है। इसके लिए आप प्रोफेक्स सुपर को भी ले सकते हैं और इसमें जो रस चूसक कीट लगते हैं या फिर थ्रिप्स लगते हैं उसके लिए आप अल्फामेथ्रिन को ले सकते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को एक साथ मिला करके आपको स्प्रे अपनी फसलों में करना है। अब बात करते हैं कि कितनी मात्रा में आपको इस दवा को लेना है। तो प्रोफेक्स सुपर को आप कम से कम 20 से 25 ml पर 15 लीटर पानी में और अल्फामेथ्रिन को 20 ml पर 15 लीटर पानी में दोनों को एक साथ मिक्स करके आपको अपनी इस अच्छे से मिक्स करके आप अपनी फसलों में स्प्रे करें, जिसके बाद आप देखेंगे आपकी फसल में जो भी थ्रिप्स, माहू, तेला या फिर जो रस चूसक कीट होते हैं वह पूर्ण से कंट्रोल हो जाएंगे और वह आपकी फसलों को नुकसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन दवा दोनों को एक साथ मिक्स करने के बाद जो भी आपकी फसल में थ्रिप्स, माहू या फिर जो दूसरे मच्छर, चाहे वो काले मच्छर हो, हरे मच्छर हो, वह पूर्ण से खत्म हो जाएंगे। इसको आपको कम से कम 6 से 7 दिन के बाद आपको दूसरा स्प्रे करना है, जिसके बाद यह पूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाएगा। तो किसान भाइयों, कम से कम 2 स्प्रे के बाद आप देखेंगे आपकी फसल में ऐसी कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। और इसके साथ ही आप चाहे तो अपनी फसलों में फंगिसाइड दवा का भी उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप कम से कम 3 से 4 दिन के अंतराल पर आप इस दवा के उपयोग करने के बाद आप फंगिसाइड दवा, चाहे वह साफ हो या फिर साफ कार्बन डाइजिप, मैंकोजिप दूसरी कंपनी वाली का भी लेकर के आप अपनी फसलों में छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपकी फसल में जो भी फंगस के रोग होंगे या फिर थ्रिप्स, माहू, तेला या रस चूसक कीट होंगे वो पूर्ण से कंट्रोल हो जाएंगे और आपकी फसल काफ़ी हरी भरी हो जाएगी। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।